दोस्तों नमस्कार, कानूनी बात बताने वाले मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज का विषय वैसा देखा जाए तो बहुत सीधा सादा और सरल विषय, सहमति, कंसेंट, और वैसा देखा जाए तो बहुत टेढ़ा विषय, बहुत बड़ा विषय, क्योंकि सहमति अलग अलग रूप में, अलग अलग रूप में अलग अलग चीजों के लिए दी जाती है। आज उनके अलग अलग रूप क्या हो सकते ये हम जानेंगे। पहली बात यह कि सहमति जो होती है वो स्वतंत्र रूप से देनी चाहिए, जिसका अर्थ है कोई व्यक्ति हाँ कहना चुन रहा है जब वो ना कहने के लिए भी स्वतंत्र हो। यानी मुझे ना कहने के लिए भी स्वतंत्रता है और मैं हाँ कह रहा हूं तो ये मेरी मन की भाषा है, मन से मैं दे रहा हूं। अगर किसी को ऐसा लगता है कि मैं उन्हें हाँ कहना मुझे पड़ रहा है क्योंकि ना कहने से मेरा नुकसान होने वाला है, नकारात्मक परिणाम होने वाला है, तो ये स्वतंत्र रूप से दी गई सहमति नहीं मानी चाहिए। अब सहमति के अलग अलग रूप हम देखेंगे। पहली बात ये, सहमति व्यक्तिगत सीमाओं से जुड़े कार्यों के लिए एक अनुमोदन है, जबकि अनुमति किसी चीज के घटित होने के लिए प्राधिकरण या अनुमोदन को संदर्भित करती है। तो सहमति पत्र एक व्यक्ति या पार्टी द्वारा दूसरे व्यक्ति या पार्टी से अनुमति के लिए लिखा गया हुआ एक औपचारिक पत्र है। फिर कार्रवाई शुरू होने के पहले अनुमति लेना पड़ता है, वो अनुमति के लिए सहमति पत्र लिखना महत्वपूर्ण है। और सहमति पत्र लिखने के बाद जिससे आप सहमति मांग रहे हो उसने सहमति देना आवश्यक है। यानी सहमति कुछ होने की अनुमति या कुछ करने के लिए एक सहमति है। सकारात्मक सहमति होती है, नहीं का मतलब ना ऐसा नहीं होता है, हाँ का मतलब हाँ, इस पर वो निर्भर होता है। सहमति किसी अन्य व्यक्ति के साथ किसी भी प्रकार के सेक्स में स्वेच्छा से जानबूझकर या स्वतंत्र रूप से भाग लेने की एक सक्रिय प्रक्रिया है। यदि कोई एक दूसरे के बारे में अगर शिकायत नहीं करता तो एक यौन संबंध में सहमति देखी जा सकती है। ये हम अधिकतर लिविंग रिलेशनशिप के बारे में बात कर रहे हैं कि जहाँ आजकल देखा जाता है कि दो, एक पुरुष और स्त्री और बड़े यानी मेजर एक साथ रहते, अब 5 साल 6 साल तो एक साथ रह गए, बाद में ये नहीं बता सकती कि मेरे को फंसा है, कुछ उल्टा पुल्टा बोला हो, कुछ दबाव हो तो बोल सकते हैं, अन्यथा नहीं बोल सकते। अब अलग अलग प्रकार की सहमति होगी। अगर शिक्षक को, अगर विद्यार्थी ने अनुमति मांगी कि मेरा कोई मित्र बाहर आ गया, मुझे जाने की अनुमति दो, और शिक्षक ने बोला कि जा सकते हैं, तो ठीक है। अगर शिक्षक के अनुमति के बिना छुपे छुपे वो निकल जाता है तो यह असहमति नहीं है, उसके ऊपर कार्रवाई हो सकती है। अगर निर्देशक है तो फिल्म का उसको अंत अच्छा नहीं लग रहा यार, ये नहीं जम रहे, इन नहीं लोगों को पसंद आए, उसने लेखक को बोला भाई ये भाई इसका एंड बदल दे, लेखक ने उसको सम्मति दी और उसने वो एंड वापिस एक बार लिख के अलग सा लिख दिया, ये भी सम्मति होती। यानी कुछ करने की कानून में आधिकारिक अनुमति होती। अब अलग अलग सहमति के बारे में भाषा करेंगे तो संपत्ति की बिक्री होती है, तो संपत्ति की बिक्री के समय उसके संबंधित सब पक्षों को की सहमति आवश्यक होती है। यानी मैं मेरे घर का, अगर मेरा मालकाना हक है मेरे पास और मुझे घर बेच देना है तो मेरी बीवी की सहमति की जरूरत होती है, वो अगर उस जॉइंट ओनर भी नहीं है फिर भी सहमति की आवश्यक होती। क्यों? क्योंकि उसको रास्ते पे लाने के लिए मेरे पास और किसी के पास ये परमिशन ही नहीं। कोई भी पूछेगा भाई आपने वो उसके बीबी से एनओसी ली थी क्या, कंसेंट ली थी क्या, एफर्मिव की पार्टी थी क्या, कंफर्मिंग पार्टी थी क्या, ये नहीं प्रॉब्लम हो सकता है। फिर अगर कोई रोजगार की शर्तें बदलना चाहता है उसके लिए सहमति की आवश्यकता, क्योंकि दोनों ने मिलके वो तय किया रहते हैं। व्यवसाय की अगर कोई चालू करना है, व्यवसाय चालू करना है, कभी कभी उसके लिए अलग अलग प्रावधान रहते हैं, गवर्नमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशन के साथ नियमक की एक परवानगी लिखते
परमिशन लगती है। फिर किसी भी नॉर्मल कोर्स में हम लोग सुनते हैं वो पुनर्विकास के बारे में, जब कंसेंट कंसेंट ये बात आती है तो पुनर्विकास दिमाग में आ जाता है। तो पुनर्विकास के लिए बहुसंख्यक किराएदारों की सहमति आवश्यक होती, कंसेंट आवश्यक होती, फिर वो जाके आगे जा सकते हैं। यही नहीं, अगर आप किसी अस्पताल में भर्ती होना चाहते हो आपसे कंसेंट लेते हैं। इतना ही नहीं, ऑपरेशन करना है तो खाली वो पेशेंट का ही नहीं, पेशेंट का नजदीक का रिश्तेदार उसका भी कंसेंट लगते हैं। और खास करके जिसके ऊपर वो ऑपरेशन हो रहा है उसकी कंसेंट तो लगती ही लगती है। मान लो उसका आयो जिंदा रहना नहीं रहना ऐसी चीज है, ऑपरेशन करना है, और वो बोला मुझे नहीं करना है ऑपरेशन, वो जबरदस्ती उसके ऊपर नहीं कर सकते, विदाउट कंसेंट नो ऑपरेशन कैन बी डन। वो पेशेंट की इच्छा इंपॉर्टेंट है। यानी यह अलग अलग तरीका होता है। जाते जाते इतना भी पता चलता है जीएसटी का मेरे को निकालना है, मेरे पिताजी का घर है तो भाई पिताजी की एनओसी लगेगी, पासपोर्ट है, पासपोर्ट कार्यालय में अगर भांजा है मेरा और भांजा को मेरा एड्रेस यूज करना है तो मेरी एनओसी लगेगी। इतना ही नहीं, अगर मान लो ट्रस्ट रजिस्ट्रेशन करना है, ट्रस्ट रजिस्ट्रेशन करते समय नॉर्मल कोर्स में ऐसा होता है कि किसी एक का घर का एड्रेस उसका कार्यालय के स्वरूप पे दिया जाता है। अब भाई वो जिसका घर है उसका इलेक्ट्रिसिटी उसके नाम पे रहता है, यानी वो उसका मालिक है, उसकी कंसेंट लगती है। विदाउट हिज कंसेंट उसका घर आप कार्यालय के स्वरूप में नहीं यूज करते। ऐसे अलग अलग स्वरूप में सहमति ये बात रहती है, कंसेंट रहती है। आज मुझे लगता है मैं कम शब्दों में आपके सामने ये बहुत बड़ा विषय आपके सामने रखा। अगले वीडियो में ऐसे ही कुछ लेके आऊंगा, तब तक के लिए अनुमति दीजिए, धन्यवाद।